हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। राजसमंद से बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय ट्रांसफर आदेश निरस्त नहीं होने पर राजसमंद बंद का ऐलान। राजसमंद जिला मुख्यालय पर संचालित बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय के नाथपा द्वारा ट्रांसफर के आदेश निरस्त नहीं होने पर विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने राजसमंद बंद का ऐलान करते हुए उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। विधायक दीप्ति के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल को ज्ञापन देकर चेताया कि अगर 28 दिसंबर तक आदेश निरस्त नहीं किया गया तो 29 दिसंबर को राजसमंद बंद बाजार रखकर शहर की जनता सड़क पर उतरेगी, इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार रहेगा। विधायक ने कहा कि राजसमंद की तरह बहुउद्देशीय चिकित्सालय नाथपा द्वारा में भी खुले, लेकिन राजसमंद से नाथपा द्वारा ट्रांसफर करना अनुचित है। विधायक दीप्ति ने कहा कि राजसमंद के गणेश नगर में चिकित्सालय के लिए जमीन आवंटित है, जहां कतिपय एक व्यक्ति ने अतिक्रमण कर रखा है, जिस पर न्यायालय का भी कोई स्थगन नहीं है। बेवजह प्रशासन कांग्रेस नेताओं द्वारा जनता को भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है। विधायक दीप्ति ने कहा कि अगर एक जगह जमीन विवादित है तो दूसरी जगह नई जगह आवंटित कर दी जाएगी। इसके लिए बडारडा, पीपरडा, एमडी, भावा, बाणा, मुंडोल आदि सीमावर्ती गांव में ग्राम पंचायतें जमीन देने को तैयार हैं। वर्तमान में जिस जगह पर 7 वर्ष चिकित्सालय संचालित हो रहा है, उस जगह भी विस्तार किया जा सकता है। इस दौरान भाजपा वरिष्ठ नेता महेश पालीवाल, नगर परिषद पूर्व सभापति सुरेश पालीवाल, भाजपा ग्रामीण मंडल अध्यक्ष गणेश पालीवाल, भाजयुमो जिला अध्यक्ष मोहन कुमावत, संपत नाथ चौहान, मंडल महामंत्री प्रमोद गौड़ सहित कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। जागरूक टीवी की राजसमंद से नरेंद्र सिंह खंगारोत की रिपोर्ट।